फाइनल डिसीजन ले लिया। फाइनल डिसीजन मजाक कर रही है, पर तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, करते हैं ब्लॉग की शुरुआत आपके प्यार के साथ। तो गाइस, आज सुबह सुबह जो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है पोस्ट ऑफिस से हो रही है। मैं सार्थक के यहाँ पर आया हुआ था, सार्थक के आधार कार्ड में कोई प्रॉब्लम थी तो वो ठीक कराने आया था बस सुबह सुबह बहुत जल्दी जल्दी, और मिलते हैं अब आपको थोड़ी देर में घर। सार्थक करा रहा है अपना काम आधार कार्ड का, उसका काम कुछ रह गया था तो आधार कार्ड का काम करा रहा है सार्थक अपना। गाइस गुड मॉर्निंग, तो करते हैं ब्लॉग की शुरुआत। ब्लॉग की शुरुआत तो अभी डाकखाने से ही हो गई थी और बस मैं घर पे आ गया था। ये पौधों को ठीक हो रहा है क्योंकि आज है कार्तिक का महीना, तुलसी मैया को सजाया जा रहा है, अभी होगी पूजा। आज कार्तिक, आज से शुरू हो रहा कार्तिक का महीना है डॉली? हाँ जी, कार्तिक का महीना आज से शुरू है ना। कितने टाइम तक है कार्तिक का महीना? जब बाबा जी की वो होते ना नगर कीर्तन निकलता है, गुरुपुरब होता है, गुरुपुरब तब खत्म होता है। तो ठीक है गाइस, तब खत्म होगा कार्तिक का महीना। अभी गुरुपुरब जब शुरू होगा तो बस अभी क्या कहते हैं पूजा वूजा, डॉली ने नहा धो लिया, बस पूजा वूजा करेंगे तुलसी मैया की। और ये बेलों में हमारे देखो कितने सुंदर सुंदर से फूल आ गए, मैं आपको दिखाता हूँ। आहा, हाथ पे कांटा लग गया। अरे आजा यार, कांटा लगा। अरे आजा ना, बस बस यार ऐसे ही दिखा दो ना, टूट जाएगी डेली प्लीज। ये देखो गाइस कितने सुंदर सुंदर फूल खिल गए हैं, कागज के फूल है, बहुत प्यारे प्यारे से। और बस अब मिलते हैं थोड़ी देर में, नाश्ता वास्ता करते हैं। हाथ पे कांटा भी लग गया बहुत तेज। होली आप नहा धो लिया है? हाँ जी, बस ये चलो करो। अच्छा, कल का फूल है, मैं कहा ये भी दिखाऊं, ये छोटा सा थोड़ा मुरझा गया ना। तो गाइस मिलते हैं थोड़ी देर में आपको। हाँ जी भाई, तुलसी मैया की पूजा हो गई कार्तिक के महीने में, आज हमारी तुलसी मैया को दिखा दे। हाँ जी बिल्कुल। तो गाइस ये पूजा कर चुके हैं डॉली सुबह सुबह तुलसी मैया हमारी। ये रही तुलसी मैया, इतनी सारी है तुलसी मैया, दो तुलसी मैया, सारी तुलसी मैया को सजा दिया गया है। ठीक है, आज ग्रहण भी है इधर, मैंने सुना है ग्रहण है, रात को लगी है ना चंद्र ग्रहण है ना, चंद्र ग्रहण है। कितने बजे लगेगा? कोई कहते 11 बजे लगेगी, कोई कहते 1 बजे लगेगा, मुझे प्रॉपर पता। तो फिर शाम को जल्दी पूजा कर लेना। सूतक तो चालू हो गया ना? सूतक चालू हो गया है तो मंदिर बढ़ाना पड़ेगा। हाँ, मंदिर तो बंद ही रहेंगे। और तुलसी के पत्ते तोड़ लेना फटाफट। तुलसी के पत्ते तोड़, आज मंदिर बंद हो जाएगा। आज कार्तिक का महीना, तुलसी के पत्ते तोड़ लेंगे? थोड़ा सा तो तोड़ना पड़ेगा, जो भी जो ऊपर तुलसी लगी हुई है ना, हमारे पास दूसरी तुलसी भी लगी हुई है ना, क्या बोलते हैं उसको, रामा श्यामा तुलसी। दोनों लगी है ना, दोनों तुलसी है। चाय में कौन सी डालते हैं? चाय में तो खैर मैं बहुत कम डालती हूँ क्योंकि कहते डलते नहीं है ना फिर इतना। अच्छा, वो तबीयत जो खराब है मजबूर में डालती हूँ। चलो ठीक है, हो गया फटाफट। ये गमले भी करके नीचे रख दो यार, किसी के सर पे गिर जाएंगे, दिक्कत वाला काम हो जाएगा। बंदर आ गया ना, वो यहाँ से सफाई करनी थी ना तभी रखी थी। चलो ठीक है, नहीं कर लो। इसी बिटिया रानी आ गई है, हेलो कर दो। क्या करने आए हो आप शॉप पर आज? शॉपिंग। किसकी शॉपिंग करने आए हो? पापा और मेरी। पापा और आपकी शॉपिंग? क्या खरीदने आए हो पापा के लिए? अभी वो खरीद रहे। क्या खरीद रहे हो? मम्मा चॉइस कर। मम्मा कविता हाय कर दो हमारे गाइस को। ये शॉपिंग कर रहे हैं, मैरिज है ना? हाँ, किसकी मैरिज है? मेरी मासी का मैरिज। तो उसकी शॉपिंग करने आए हो आप? हाँ। क्या क्या लोगे आप? आपने शॉपिंग कर लिया आपने? मैंने एक शूज लिए, वहाँ पे लिए, अभी दिखाते हैं। अच्छा, शूज दिखा रहे हो आप? ओए होए, शूज लेकर आ गए हो, वाह वेरी गुड। स्कूल लिखा हुआ है। स्कूल आज लिखा हुआ है। अच्छा, पढ़ाई सही चल रही है आपकी? फर्स्ट क्लास एकदम बढ़िया। क्या पियोगे? क्या पिया आपने? पानी पिया था। लिमका? किस किस के लिमका पिया आपने? अपनी भी पी ली, बुई की भी पी ली, मम्मा के भी पी ली। हाँ। सबकी लिमका पी ली आपने। हाँ। क्या खाओगे? क्या गोलगप्पे खाओगे? पचरंगा के गोलगप्पे, बढ़िया से। बाहर की चीजें नहीं खाते आप? लिमका भी तो बाहर से आई थी, पी ली। अच्छा, खाने को मना किया है। क्या खाओगे? फटाफट बताओ, जल्दी बताओ। मैं खाऊंगी झींगा। झींगा भी तो बाज आती है। वो बेटे वो गांव में उड़ीसा में मिलेगी ना। आपने फटाफट शॉप आ गई है, क्या क्या लेना? क्या फटाफट अंकल को बता दो, पैसा जो बोल रही है दे दो। क्या क्या लेना बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। फाइव स्टार है, फाइव स्टार दे दो, चिप्स दे दो, हंग दे दो, है? हाँ जी, हंग भी है। और बताओ, पढ़ाई हो रही है? ट्यूशन जाने की तैयारी कर रहे हो आप? कितने देर में जाना है?
आधे घंटे में? अभी तभी करके याद कर रहे बेटा, तू तभी याद कर रहा है जब तुझे ट्यूशन जाना होता है सुबह से। सुबह कितने बजे उठे हो आप? आज ये डॉली 12 बजे उठा आज? हाँ जी 12 बजे उठा। मतलब पूरे एक हफ्ते की नींद पूरी की है तूने? है अभी गुलाब ला के बैठे, उठ जा नाश्ता करने के लिए, पढ़ने लिखने के लिए भी नहीं टाइम से, नाश्ता कर लो। मैं क्योंकि जल्दी चले गया था, पौने 11 बजे शॉप पे चले गया था, अब मैं देखा नहीं। मैं काम कर रही थी, मैंने भी कहा जब तक सोते हैं सोने दो, सीधी सी बात है। भैया थका एक हफ्ते, पूरी हफ्ते की थकावट दूर होती है ना, सुबह सुबह 6:30 बजे उठना, उसे आना, पूरा दिन रूटीन करना। अब सैटरडे संडे में तो बच्चा नींद पूरी करेगा, कल भी लेट उठेगा है, 2 दिन में नींद पूरी हो जाती है। आज ग्रहण भी है बेटा, ग्रहण भी है शाम को, शाम को ग्रहण भी है आज। ग्रहण में कुछ नहीं होता, पाठ पूजा करते हैं, ग्रहण में पाठ पूजा करते, कीर्तन वगैरह होता है। मतलब मन से किताब बैठ के पढ़ते हैं, मंदिर में नहीं, मंदिर खोल के नहीं, पाठ पूजा करते हैं। ठीक है, अच्छा होता है। चाय लेके जा रहे हो? वो सामने भाभी आई है ना। ठीक है, जो रहते थे। डॉली जी, हाँ जी, भाभी जी आए हुए, इंट्रोडक्शन तो करा। आपको पता ही है कौन है ना, हमारे गाइस को नहीं पता है, सामने रहते थे भाभी हमारी यहाँ पे रेंट पे, यहाँ पे आजकल काकू ट्यूशन पढ़ने जा रहा है। जहाँ पे काकू ट्यूशन पढ़ने जा रहा है वो मतलब वहाँ पर ही हमारा जो फ्लोर है वो भाभी जी। कितने 2 साल रहे हो ना तुम? 2 साल रहे, मिलने के लिए आए हुए। वो तो होगा, हम तो हमेशा ही आते हैं, ये मिलने के लिए आते ही रहते हैं। सही बात है, हाँ ज्योति दीदी भी आ चुके हैं जेड ऊपर, और इसी गल हाँ वो भी आते रहते हैं, मिलते रहते हैं। आया था मंदिर बंद निकला है और कीर्तन हो रहा है यहाँ पे, मंदिर आज बंद है, मंदिर बंद, ग्रहण है तभी मंदिर बंद है आज। कब खुलेगा मंदिर? अब सुबह कितने में बंद हुआ है मंदिर? मंदिर तो वही दुकान में बंद हुआ है। तो गाइस मंदिर बिल्कुल बंद है यार, रोके हो रही है, क्या हो गया? मैंने बहुत कुछ मंगवाया था आपसे, आपने ला के नहीं दिया, इसलिए मैं रो रही हूँ। अच्छा जी, शक्ल दिखाओ अपनी, दिखाओ क्या करूंगी, सच में रो रही। दिखाओ तो सही, शक्ल दिखाओ। ड्रामे में आज प्याज काट रहे हो? नहीं जी, प्याज ही काट रही है, आपको काट रही हूँ मैं अपनी। ये गाइस प्याज काट रही हूँ, ड्रामे कर रही है हट के। आप ब्लॉग बना दिया तो मैं ड्रामा ही करूंगी ना, क्या करूँगी। मेरा वो कमेंट्स आया था एक, मेरे को बड़ा बुरा लगा यार कमेंट्स। क्यों? लिखा हुआ था फ्री के पैसे कितने अच्छे लगते हैं, जो पेमेंट आई है ना हमारी, तो गाइस को बताना चाहता हूँ फ्री के पैसे नहीं होते गाइस। पूरे एक ब्लॉग बनाने में 10 मिनट में पूरे दिन की मेहनत होती है, सुबह से लेके शाम तक। जिसने लिखा है उनको समझ नहीं है, जो बनाते हैं ना उनको समझ है कि फ्री के हैं कि भाई काम करते हैं। मैंने भी यही बोला उनको, और जो काम करते हैं उनके लिए फ्री नहीं होता, पूरा टाइम वो इस चीज के लिए भी देते हैं। मैंने उनको यही बोला एक बार आप भी बनाओ, आप भी फ्री के पैसे कमा के देखो कैसे रखते हैं। किसी को बोलने से तो अच्छा खुद ही बनाए, जितनी मर्जी कमा लो, फ्री के पैसे अगर आपको अच्छे लगते हैं तो। आपको अगर आ जाते फ्री के तो आप बना लो, किसने बनाएगी? फ्री के पैसे किसको नहीं अच्छे लगते, सबको अच्छे लगते हैं तो बनाओ। फ्री के कभी नहीं देता, वो हराम की होती है। हाँ ये मेहनत की कमी है, मेहनत करते हो तो कोई देता है, यूट्यूब वाले ऐसे नहीं फ्री में बांटते बैठ के। अच्छा वो तो है, तेरी बात सही है, मगर ये भी होता है ना पूरे एक 10 मिनट के ब्लॉग में पूरे दिन की मेहनत होती है डॉली, पूरे दिन की। पूरे दिन की मेहनत है, जो बनाता है उनको पता है ना डॉली। नाइफ से किसको एक्सप्लेन करें? नाइफ रखो पहले आप साइड में, रोलो बाद में, नाइफ आ जाएगा। वो मैं ये कह रहा हूँ कि पूरा दिन की मेहनत होती है इसके अंदर। हाँ वो तो है ही, पूरा दिन की मेहनत होती है, घर का काम, ये काम, दुकान के काम, बहुत काम होते हैं। रात को 2-2 बजे भेजना, ये करना, रात को 2-2 बज जाते हैं ब्लॉग एडिट करने में, सारी चीजें करने में। तो गाइस जो जिन्होंने किया ना मैसेज, एक बारी मैं कमेंट्स दिखाऊंगा उनका, और मैं उनको कहना चाहता हूँ एक बारी आप भी फ्री के पैसे कमाइए, अपने अपना चैनल खोलिए, आप अपना चैनल खोलिए, अपने सब्सक्राइबर बढ़ाइए, मतलब प्यार लीजिए फैमिली मेंबर्स का, तो आपको पता लगेगा फ्री के पैसे कैसे मिलते हैं, मतलब फ्री के पैसों में भी कितनी मेहनत लगती है, वो सारी चीजें आपको पता लग जाएंगी। फ्री का तो कुछ भी नहीं होता, आपको खाने के लिए नहीं, उनको लगता है ना फ्री में जाके बैठी हुई तुम। अब क्या हुआ? नहीं मैं काकू कह रही थी, काकू खा ले। हाँ, क्या खाना है ये बता। कुछ नहीं खाएगा ये, इसने कुछ नहीं खाना। ये मेरे से पूछ रहा कि चाची पूरी आलू कब बनाओगे, तो मैंने कहा अभी बनाऊंगी, अभी कल परसों ना देखती हूँ कैसे। अच्छा अच्छा, पूरी आलू खानी है तूने? हाँ चाची कहती है पूरी आलू इसको अच्छी लगती है ना, इन दोनों को बिठा के खिला दूंगी ना। अच्छा तो बस वही, तू भी खाएगा चारी? हाँ खाऊंगा। चलो ठीक है, वही मैं सोच रही थी ना कि मैं 2 दिन के लिए ना बाहर जाऊंगी, मतलब पहले तो सोच रही थी कि रहने देती हूँ, फिर रौनक ने बोला कि कब से गई नहीं ना, तो
वही इसको इसका मूड भी थोड़ा उधर दिल है वो भी हो जाएगा ना बंदा थोड़ा। तो दो दिन के लिए हम दोनों ना मतलब फाइनल मैंने सोचा है क्योंकि ना पहले तो फाइनल डिसीजन ले लिया है। सही है, दो दिन के लिए बंदा बाहर हो जाता थोड़ा माहौल चेंज हो जाता, सीधी सी बात है थोड़ा सा इधर हो जाता ना थोड़ा अपना दिल भी हो जाता है, सही भी लगता है। मतलब मेन चीज क्या है ऑफिस से घर माइंड शाम के चल रहा है वो चल ही रहा है अपने हिसाब से, थोड़ा चेंज हो जाएगा, थोड़ा चेंज हो गया ना फिर माहौल, दो दिन के लिए थोड़ा सा बिल्कुल अलग माहौल हो जाता है ना फिर सही रहता है। तो सोच लिया है मतलब मैं दो दिन के लिए रौनक और मैं घर से जा रहे हैं दो दिन के लिए, फाइनल डिसीजन ले लिया। मजाक कर रही है नहीं मैंने पहले बताया था तभी कोई बताया था, मैंने कहा नहीं मैंने जाना है जाना जाना कब से सोच रही हूँ, तो फिर अभी तो फिर ऐसे ऐसे करके मेरा फाइनल हो गया, तो फाइनल मुझे जाना ही जाना है, डिसीजन नहीं है मेरा। चलो मैं आपको बता देती हूँ, मैंने क्या बाद में बोलो कि निक्की कहाँ की ढूंढ रही है। सही बात है, नहीं वो तो चल जाते नहीं बताते वो तो मैं जाते हैं बताता ही है। तू मुंह कैसे बना रहे बैठे बैठे, ये सोच रहा खाना कब मिलेगा, खाना चल खाना बन गया, कल छुट्टी है कल छुट्टी है हाँ कल छुट्टी नहीं आज छुट्टी थी 12 बजे इतना सारा ट्रैफिक वहाँ पे कृष्णा पार्क साइड ना। तो गाइस टाइम हो चुका है ब्लॉग के एंड करने का और इस टाइम चल रहा है चंद्र ग्रहण, डॉली मंदिर भी बनते सामने वाले में गया था ना मंदिर, हाँ जी वो शाम से लग गई थी ना शाम से ही मंदिर हमारे बंद हो गए मतलब बढ़ गए थे मंदिर। तो गाइस और मैं आपको ये भी बता दूं जब सार्थक हुआ था ना तब भी ग्रहण था और स्वास्तिक हुआ तब भी ग्रहण था, दोनों के टाइम में, और सबसे ज्यादा हमें दिक्कत हुई थी सार्थक के टाइम में, पहली बार ऐसा था और डॉली को इतना केयरफुली काम करना था, चक्कू नहीं ये नहीं करना वो नहीं करना बिल्कुल, मैंने कुछ भी नहीं किया गाइस क्योंकि मम्मी सोनिया भाभी ललिता भाभी सभी थे बड़े तो मैंने कुछ किया भी नहीं था काम, और उस वक्त मैं मेरी रोहिणी में शौक हुआ करती थी, मेन ध्यान रखना था कि कैंची नहीं चलानी, मैंने लोग कहते ना कि हस्बैंड भी कुछ काम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि कैंची चलाओ कोई चीज करो काटो तो बच्चे पे बस असर होता है, बाकी हमने ध्यान पूर्वक सारा काम किया था। तो मतलब उस टाइम में मतलब पूरा दिन था और मैंने क्या किया था एक दिन पहले ही मैंने जो जितने भी काम को था ना सारी कटिंग कर ली थी, मुझे पता है ग्रहण था और कस्टमर आए भी थे मेरे पास अटेंड करने के लिए मगर मैंने कैंची नहीं चलाई, मैंने जो लड़का रखा हुआ था कर दिया था मम्मी ने स्ट्रिक्टली तो जो मर्जी करियो आज के दिन कैंची में चलाई हो ऐसा कोई काम मत करियो, और मैंने उस लड़के को भी बोला तू भैया जो कटिंग करेगा आज तू ही करेगा, जो कस्टमर के कपड़े काट के तो ही देगा, और उसके बाद मुझे मतलब कह रही थी कुछ खाना भी नहीं ग्रहण के टाइम, कुछ टाइम था एक मतलब नहीं नहीं गर्भवती महिलाओं के लिए तो कोई ऐसी बात नहीं, बच्चे बूढ़े ये प्रेग्नेंट लेडी के लिए ऐसा कुछ नहीं होता है, बाकी सब बंदों के लिए होता है थोड़ा सा कि इस टाइम नहीं खाना उस टाइम खाना, तो वो बता मम्मी ने बोला था इस टाइम तक कुछ खाना नहीं, और मुझे लग रही थी भूख इतनी तेज कुछ कह के इतनी और बड़े मुश्किल से। तो गाइस बस वो साथ काकू के टाइम भी वो था ग्रहण था, उस वक्त हम नोएडा में थे मामी जी के घर में, हम वापस आ रहे थे रास्ते में थे और फटाफट उससे बला ग्रहण से पहले ही हम घर पहुंच चुके थे, उस टाइम छुट्टी थी शुरू होने से पहले ये कि सूतक लगी सूतक, हुई थी सूतक, बट हाँ, ग्रहण में हम घर आ गए थे घर पे आगे थे घर में थे बस और आराम से बैठ के हमने रॉबर्ट फिल्म देखी थी चुपचाप बैठ के पिक्चर देख रहे थे, कुछ भी कोई काम कुछ भी नहीं कर रहे थे सही बताओ। तो गाइस इसी के साथ कर रहे हैं ब्लॉग का एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें शेयर करें कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बाय बाय गुड नाइट गाइस।